बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चल रही है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में, और यहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व सांसद रविंद्र राय, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी मौजूद हैं, सांसद सुदर्शन भगत के अलावा और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं और इसी कड़ी में बैठकों का दौर चल रहा है, एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा। अगले 3 दिनों तक बीजेपी के तमाम कोर पदाधिकारियों के साथ बैठक और फिर हर प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक होने की जानकारी सामने आई है। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा, संगठन की कार्य प्रणाली को कैसे गति दी जाए, कैसे संगठन को और धार दिया जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का संचार किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत आप देख सकते हैं। कोर कमेटी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य हमारे सहयोगी राजेश बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या अंदर खाने चर्चा चल रही है, किन विषयों पर मंथन किया जा रहा है। जी राजेश, देखिए इसी रूम में बैठक चल रही है, क्योंकि कोर कमेटी एक छोटी कमेटी होती है जिसमें प्रमुख नेता होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक होती है, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं, इसके अलावा पूर्व सीएम रघुवर दास, क्योंकि ये पुरानी कमेटी है उसी के सदस्य सभी लोग बैठे हुए हैं और दो लोग नहीं है प्रमुख रूप से, एक तो अर्जुन मुंडा नहीं है और सुनील सिंह नहीं है इस बैठक में, जयंत सिन्हा भी सदस्य हैं लेकिन वो भी नहीं है, रविंद्र राय हैं, फिर सुदर्शन भगत हैं, ये सभी लोग बैठक में वर्तमान में, चूँकि जो झारखंड में राजनीतिक हालात है इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही, प्रभारी पहली बार झारखंड आए हैं और वो असम के रहने वाले हैं तो बहुत चीज़ों से वो अपडेट होना चाहते होंगे, और जो कोर इशूज हैं पार्टी के झारखंड के, और पार्टी किस स्तर पर अभी यहाँ पर काम कर रही है, क्या संगठनात्मक कार्य अभी हैं इस पार्टी के जिम्मे, वो उन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। मुख्य विषय जो राजनीतिक हालात है राज्य में, उस पर कैसे विपक्ष की भूमिका के रूप में बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी एक साल का समय हुआ है वह सत्ता से बाहर होकर अब विपक्ष में है, तो ऐसे में क्या भूमिका होगी, कैसे धारदार संगठन को बनाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। चूँकि बैठकें कई हैं, इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसमें भी कई तरह की चर्चा होगी, क्षेत्र के अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, जनता के बीच क्या फीडबैक है उस पर चर्चा होगी, इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक होगी, फिर कल भी बैठक है, परसों भी बैठक, कई बैठकें हैं जिसमें सभी स्तर के नेता और कार्यकर्ताओं से दिलीप सैकिया जो प्रभारी है वो बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि झारखंड में बीजेपी का की पकड़ कितनी है और बीजेपी राजनीतिक हालात को, राजनीतिक विषय पर किस प्रकार से काम करेगी आगे, और जो चुनौतियां हैं विपक्ष के तौर पर वो कैसे करेगी और कौन कौन से कार्यक्रम आगे किए जाने हैं। राजेश, चुनौतियों की बात कर लें, आपने चुनौतियों का जिक्र किया तो कई प्रकोष्ठ और कमेटियों का पुनर्गठन किया जाना अभी बाकी है और कई विवाद भी हैं, जिला कमेटियों के गठन में हमने विवाद देखा, अभी धनबाद में ही नई जिला कमेटी की घोषणा हुई और पार्टी कार्यकर्ता ही जिला अध्यक्ष के पुतला दहन को लेकर सड़क पर उतर आए, तो इन चुनौतियों को भी पार पाना होगा, एक बड़ी समस्या है कमेटियों का गठन, ताकि विवाद रहित कमेटियों का गठन, ये बड़ी समस्या है। देखिए जहां पर सामूहिक कोई कार्य होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने स्वाभाविक है, तो कई जगहों पर इस तरह की कमेटी बन जाती है कि जिसमें कुछ ना कुछ अवांछित लोग रह जाते हैं, या फिर जो जिला कमेटियां बनती हैं उनमें कहीं कहीं विवाद हो जाता है, कोई विवादित चेहरे उसमें शामिल हो जाते हैं, या प्रदेश स्तर की कमेटी हो चाहे, तो ऐसे में पार्टी के अंदर निश्चित रूप से ये विवाद जो पड़ता है तो पार्टी कमज़ोर होती है। ये तमाम चीज़ें प्रदेश अध्यक्ष के नज़र
में हैं और वो अपने स्तर से इसे सुलझा भी रहे हैं और संगठन के जो लोग हैं उसको सुलझा रहे हैं। अब वर्तमान में जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं, सह प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं, ये तमाम लोग यही देखना है कि पार्टी किस प्रकार से झारखंड में काम करे और एक दायित्व तो इन्हें रहता है कि संगठन किस प्रकार से विवाद रहित होकर आगे काम करता रहे। क्योंकि देखिए झारखंड में 513 बीजेपी के मंडल हैं, तो ये मंडल स्तर पर जो कमेटी होती है वहाँ तक आप अगर करें तो कहीं ना कहीं विवाद तो होना ही है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और चूंकि ये बड़ी पार्टी है तो विवाद कई स्तर पर हमेशा रहते हैं, तो इससे पार्टी के नेता लोग जानते हैं कि इसे कैसे सुलझाना है। कई बार देखें तो कार्रवाई भी होती है, कई बार देखें तो कुछ लोगों को निष्कासित किया जाता है। तो पार्टी में आने वाले समय में जो जो विषय आते हैं महत्वपूर्ण, उन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। तो फिलहाल कोर कमेटी में जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों से चर्चा हो रही है और तमाम विषय को की फीडबैक ले रहे हैं। सैकिया जो आए हैं कि कौन कौन से इशूज इस झारखंड में हैं, सरकार जो यहाँ पर चल रही महागठबंधन की वह सरकार कैसा काम कर रही है, चूँकि सरकार के एक साल पूरा होने वाले हैं, क्या काम हुआ, ताकि वो अब जब लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं को संबोधित करे तो वो आगे के कार्यक्रम को चौकआउट कर सके। और साथ ही जो मीडिया से भी उनकी मुलाकात होगी और जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे या उनसे बयान लिया जाएगा तो वो भी चीज़ों से अपडेट रहे। तो ये तमाम चीज़ें चर्चा में हो रही है और कई स्तर की बैठक जो होगी उसमें भी कई बातें सामने आएंगी। बिल्कुल राजेश, तो नज़र बनाए रखें क्या कुछ बैठकों में फैसला होता है, ये जानकारी के लिए आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।